हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सिक्योरिटी। मुंबई पुलिस ने खंगाले 200 से ज्यादा सीसीटीवी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मिली धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने एक्टर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। 8 टीमें लगातार इस मामले की कड़ियों को खंगालने में जुट गई है। साथ ही बांद्रा इलाके में लगे 200 सीसीटीवी के पड़ताल के बाद कुछ संदिग्धों का पता चला है, लेकिन अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। जिन सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है उसमें गैलेक्सी अपार्टमेंट में लगे कैमरे भी शामिल हैं। इसके अलावा सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात कर इस मुद्दे पर अपडेट लिया है। हाल ही में मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। जितना गंभीर विषय है उतनी गंभीरता से मुंबई सिटी देख रही है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज़ में सक्रिय स्वरूप से तहकीकात कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का अनुचित प्रकार मुंबई सिटी में जहाँ तक है वहाँ तक नहीं होगा, ऐसा मैं आश्वासन सबको देना चाहूँगा। मुंबई क्राइम ब्रांच की 3 टीमों को इस मामले की जांच में लगाया गया है। जल्द ही एक टीम दिल्ली भी रवाना होगी। मुंबई पुलिस की टीम फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में मौजूद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है। जरूरत पड़ी तो उसे रिमांड पर मुंबई भी लाया जा सकता है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि सलमान खान को मिली धमकी भरी चिट्ठी के आखिर में जीबी और एलबी लिखा हुआ है, जिसका मतलब गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। लेकिन ये चिट्ठी वाकई में बिश्नोई गैंग से जुड़ी है या फिर किसी ने शरारत की है, ये इस मामले की जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी धमकी भरे लेटर को लेकर पूछताछ की है। रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में सलमान को धमकी भरा लेटर भेजने की बात से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि न उसने कोई धमकी दी है और न ही ऐसा कोई लेटर लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट। लीजिए, उठ गया है पर्दा, खुल गया है राज। सोनाक्षी को डेट कर रहे हैं जहीर इकबाल। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। कुछ ऐसा ही हाल बॉलीवुड सितारों का भी है। लाख छिपा लें लेकिन उनके प्यार के चर्चे हो ही जाते हैं। अब देखिए ना, ये बात सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल पर एकदम फिट बैठती है। आखिरकार इन दोनों की लव स्टोरी का खुलासा हो ही गया। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के अफेयर के चर्चे पिछले काफी वक्त से माया नगरी के गलियारों में हो रहे थे। हालांकि दोनों ही इस पर कुछ भी कहने से बचते थे। हाल ही में जहीर और सोना को एक साथ फेमस प्रोड्यूसर दिनेश विजन की बहन के रिसेप्शन पर भी स्पॉट किया गया था। दोनों स्टार्स को ब्लैक कलर की ड्रेस में साथ देखा गया था। ऐसे में दोनों का साथ में आकर मीडिया के लिए पोज देना इनके अफेयर की खबरों को और तूल दे रहा था। लेकिन अब जहीर इकबाल ने जो पोस्ट किया है उससे सारा राज खुल गया है। जहीर ने सोनाक्षी के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया है और सोना मैडम के लिए अपने प्यार का इजहार खुल्लम खुल्ला कर दिया है, जिसके बाद सोनाक्षी ने भी लव यू कहकर उन्हें जवाब दिया है। दरअसल सोनाक्षी के बर्थडे के मौके पर जहीर ने उन्हें विश करते हुए मिस सिन्हा के साथ बिताए खूबसूरत लम्हों का एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही में लिखा है, हैप्पी बर्थडे, मुझे ना मारने के लिए थैंक यू, आई लव यू, आने वाले वक्त में हम यूं ही खाते प्यार और हंसी बिखेरते रहेंगे। इस वीडियो में सोना और जहीर की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम और बॉन्ड शेयर करते हैं। वहीं सोना ने जैसे ही जहीर इकबाल द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो देखा तो वो भी खुद को कॉमेंट करने से नहीं रोक पाई। उन्होंने जवाब में लिखा, थैंक यू,
लव यू और अब मैं तुम्हें मारने आ रही हूँ। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर एक साथ फिल्म डबल एक्सल में भी नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। सलमान खान ने फिर बदला अपनी फिल्म का नाम, कभी ईद कभी दिवाली अब होगी भाईजान। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म की कास्ट को अब तक कई बार बदला जा चुका है, साथ ही फिल्म का नाम बदलने की भी कई बार चर्चा हो चुकी है। वहीं एक बार फिर फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो कभी ईद कभी दिवाली का नाम अब दोबारा भाईजान कर दिया गया है। इससे पहले भी फिल्म का नाम भाईजान ही बताया जा रहा था, लेकिन मेकर्स ने कुछ महीने पहले ही इसे बदल कर कभी ईद कभी दिवाली कर दिया था। कुछ दिनों पहले इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। बीते दिन खुद सलमान खान ने इस फिल्म से अपना लुक शेयर किया था, जिसमें वो एकदम अलग अवतार में नजर आए थे। इसी बीच आइफा से लौटने के बाद अब भाईजान इस फिल्म की शूटिंग में दोबारा से जुट गए हैं। हाल ही में सलमान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। दरअसल एक्टर इस फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग के लिए हैदराबाद रवाना हो गए हैं। इस फिल्म की लीड स्टार्स की बात करें तो भाईजान में सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े, राघव जुएल और तेलुगु एक्टर वेंकटेश दगुबाती भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन फरहाद सामजी कर रहे हैं। ये फिल्म 30 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म तमिल मूवी का हिंदी रिमेक है, जिसमें ये दिखाया गया है कि बड़ा भाई शादी करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि शादी करने से बड़ा परिवार टूट जाता है। उसका भाई जिसने पार्टनर ढूंढ लिया है, वो साथ मिलकर सलमान के लिए मैच ढूंढते हैं। इस फिल्म में पूजा हेगड़े को सलमान खान के प्यार के तौर पर दिखाया जाएगा और दोनों पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। वहीं सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो इनमें टाइगर 3, किक 2, नो एंट्री 2, दबंग 4, बजरंगी भाईजान का सीक्वल जैसी फिल्में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए E24, बॉलीवुड का डायरेक्ट कनेक्शन।